Uh, सर देखें सबसे पहले तो बात करते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर अभी फर्स्ट मार्च 2024 से जैसे ही अम्बेसी ओपन हुई है तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है फॉर एग्जांपल जब मेरा इंटरव्यू हुआ था अम्बेसी में तो कुछ आज़ाद कश्मीर से हमारे भाई आए हुए थे तो उनका यहाँ पे हंगरी में एक शीशे की फैक्ट्री है तो उसके अकॉर्डिंग उनका इंटरव्यू था अब सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में था अब वो वर्कर क्लास में आ रहे थे उनका इंटरव्यू देखिए जी ये डिसीजन को फाइनल डिसीजन नहीं होता आपको चाहिए कि आप एम्बेसी से एक लेटर मिलता है जिसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ है सबसे पहले हम राना जी को वेलकम करेंगे अपने शो में जी सर सलामैकम कैसे सलाम हो मैं भाई ठीक हो थैंक यू आपने अपना कीमती वक़्त दिया और थैंक यू सो मच आपने बताया जैसा कि आपके क्लोज फ्रेंड्स के कुछ वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं जो कि पाकिस्तान से उन्होंने अप्लाई किए थे तो उन्होंने जब आपके साथ शेयर किए अपनी वीज़ा रिजेक्शन के फॉर्म्स तो कॉमन जो मिस्टेक्स आपको देखने को मिली तो आपने क्या एज्यूम किया कि क्या वीज़ा रिजेक्शन की ज़्यादा बड़ी वजह है आ, सर देखें सबसे पहले तो बात करते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर अभी फर्स्ट मार्च 2024 से जैसे ही एम्बेसी ओपन हुई है तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही और पहले इस तरह होता था कि एजेंट ही अपॉइंटमेंट बुक कर लेता था लेकिन अब यह है कि जो कैंडिडेट है वीज़ा के लिए वो ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेगा उसकी एक प्रोफाइल बनेगी और उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेगा अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट से आगे अपॉइंटमेंट के बाद क्या है कि जब वो अम्बेसी में जाएगा तो उसका एक वीज़ा इंटरव्यू होगा अब वीज़ा इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है पिछले कोई जब से ये एम्बेसी खुली है फ़र्स्ट मार्च 2024 से बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है उसकी मेन वजह यह है कि सबसे पहले तो आपने वीज़ा किसके लिए अप्लाई किया है आपको पता होना चाहिए कि हंगरी जोग्राफिकली कहाँ पर लोकेटेड है ये यूरोप में है या नहीं है ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है या नहीं है ये शैन का हिस्सा है या नहीं है तो लोगों को यही नहीं पता होता वो सिंपल जी ठीक है जी हम यूरोप जा रहे हैं हालांकि देखें ना आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि ये हंगरी बेसिकली है क्या इसके नेबर कंट्रीज़ कौन से हैं अब सबसे मेन क्वेश्चन है कि इसके नेबर कंट्रीज़ कौन है। से हैं आपको पता होना चाहिए यूक्रेन है ऑस्ट्रिया है स्लोवाकिया है रोमानिया है ये इसके नेबर कंट्रीज़ हैं और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं आपको वीज़ा इंटरव्यू के अंदर अब दूसरा पेज इसमें क्वेश्चन आता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने ड्यूरेशन का है आपको पता होना चाहिए कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट साल का है दो साल का है आप एम्बेसी में ये ना कहें कि जी वीज़ा मेरा डेढ़ साल का है मैं उसके बाद आगे निकल जाऊंगा हालांकि ये एक बैड इम्प्रेशन है और आपका वीज़ा उसी वक्त रिजेक्ट हो सकता है आप कहें उसके बाद मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाऊंगा या फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके अपने पाकिस्तान वापस आऊंगा आपने पूरी उनको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ देना है उनको कि मैं किस लिए जा रहा हूँ और मैंने वहाँ पे काम क्या करना है और मैंने वापस कैसे आना है अच्छा फिर तीसरा क्वेश्चन है कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जब मेरा इंटरव्यू हुआ था अम्बेसी में तो कुछ आज़ाद कश्मीर से हमारे भाई आए हुए थे तो उनका यहाँ पर हंगरी में एक शीशे की फैक्ट्री है तो उसके अकॉर्डिंग उनका इंटरव्यू था अब सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में था अब वो वर्कर क्लास में आ रहे थे उनका इंटरव्यू उर्दू में हो रहा था उर्दू में पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में जो अम्बेसी है हंग्री की तो उनका अम्बेसी के अंदर उर्दू में इंटरव्यू हुआ और आपको सबसे अच्छी बात बताऊं वो लड़के बड़ा इंटरव्यू प्रिपेयर करके आए थे उनको पता था कि हमने हम अम्बेसी नहीं हम फैक्ट्री में कौन सी फैक्ट्री में जा रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो शीशा फैक्ट्री में जा रहे थे फिर उनसे क्वेश्चन हुआ क्योंकि मेरे से पहले उनका इंटरव्यू चल रहा था अब जैसे ही पाकिस्तान में सब गए होंगे तो वन विंडो ऑपरेशन है वहाँ पे तो एक ही विंडो है जिसमें सबका इंटरव्यू होता है तो उन्होंने बताया कि हम शीशा कटिंग में जा रहे हैं अब देखें अब एक बंदे ने अब वीज़ा अप्लाई किया है पहला क्वेश्चन था कि हंगरी है क्या बेसिकली आपने वो बता दिया फिर आप बताएंगे कि अच्छा मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितना ड्यूरेशन का आपने वो बता दिया फिर आप उनको बताएंगे कि मैं करने क्या जा रहा हूँ अब उन्होंने बताया कि हम शीशा कटिंग में जा रहे हैं जैसे आप अगर किसी फैक्ट्री में आते हैं फॉर एग्जांपल पैकिंग में आप आ रहे हैं या किसी और चीज़ में आ रहे हैं वेयर हाउस की किसी चीज़ उसमें आ रहे हैं इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपको पता हो कि आप किस चीज़ में आ रहे हैं और तो ये ये जो राम मह भाई आपको बातें बताई हैं ये कॉमन चीज़ें हैं बिल्कुल है ये कॉमन क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं प्लस सैलरी का पूछा जाता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी आगे मेन पॉइंट कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी सैलरी कितनी है ऐसे ना हो कि एक एजेंट आपको कहे आपकी सैलरी फाइव हंड्रेड के है और आप वहां जाके या अम्बेसी को पता हो कि यहाँ पे तो सैलरी वो फैक्ट्री ऑफर ही थ्री हंड्रेड के करती है आपको फाइव हंड्रेड के कैसे मिल गया तो ये भी एक बड़ा कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से वीजा रिजेक्ट होता है बिल्कुल नॉर्मली एजेंट जब आपको बताते हैं सुहाने ख्वाब दिखाने के लिए कि आप यूरोप भेज हम जा रहे हो तो आपको वो नॉर्मली कह देते हैं कि आपकी सैलरी चार लाख होगी पाँच लाख होगी लेकिन कागज़ों में एक सैलरी कम लिखी होती है तो ये एक बहुत कॉमन सी जो महब भई ने आपको साथ आप लोगों के साथ शेयर किए जो क्वेश्चन जैसे कि उन्होंने बताया आपको कि आपको पता होना चाहिए कि हंगरी कहाँ पे मौजूद है यूरोप के किस कंट्री के साथ लगता है सेकंड नंबर पे आप हंगरी के कौन से सिटी में काम करने के लिए आ रहे हो कौन सी कंपनी में काम करने के लिए आ रहे हो कंपनी का नाम क्या है प्लस आपकी ड्यूटीज़ क्या 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 है जैसा कि महब भाई के दोस्तों ने अप्लाई किया था शीशा फैक्ट्री में शीशा कटिंग जहाँ पे होती है तो उनको पता था कि उनकी ड्यूटी होगी वहाँ पे शीशा कट करने की तो इस तरीके से आपको अपनी ड्यूटीज़ का पता होना चाहिए कि आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो एकामोडेशन है वो कंपनी ने कहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है और आपको अपनी सैलरी पैकेज का पता होना चाहिए कि आपकी सैलरी कितनी है ये मेन हैं जो पाकिस्तान से वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं लोगों के ये कॉमन सी रीज़न्हीं मुहिब भाई के जो फ्रेंड्स जिन्होंने अप्लाई किए थे उनकी भी यही रीजंस लगा के इमिग्रेशन ने वीज़ा रिजेक्ट किए हैं तो मुहिब भाई आप क्या समझते हो कि जब वीज़ा रिजेक्ट हो जाए आपका तो आपको दोबारा अपील करनी चाहिए प्रॉपर तैयारी के साथ या अपील करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है देखिए जी ये डिसीजन को फाइनल डिसीजन नहीं होता आपको चाहिए कि आप एम्बेसी से एक लेटर मिलता है जिसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ है तो आप उसकी बेस के ऊपर आप दोबारा से वीज़ा के इंटरव्यू की तैयारी करें अगर आपका वीज़ा जैन है और आपको नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें पता हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आप दोबारा वो वीज़ा हासिल कर सकें आप आराम से आसानी से वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात किया है महब भाई ने और सिंपल आप फोटी सेवन थाउजेंड फॉरन दोबारा पे करके अपील कर सकते हो प्रॉपर अपना इंटरव्यू तैयार करके जाओ अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जैनुन है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए आपको महब भाई ने कि अगर आपका एजेंट या कंसल्टेंट या कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है और आपको लग रहा है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हंड्रेड परसेंट है और आप जहाँ काम करने के लिए जा रहे हो वो कंपनी आपको फुल सपोर्ट कर रही है तो फिर आप दोबारा अपील करो और दोबारा जाओ अपील के साथ और आपका वीरा एक्सेप्ट होगा तो मेरे ख्याल में हमने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया भाइयों को वीजा रिजेक्शन के हवाले से इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप वो बात शेयर कर सकते हैं ऑडियंस के साथ बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हंगरी एक अच्छा मुल्क है आप आएँ लाजमी यहाँ पर वीज़ा अप्लाई करें एक सैनियन कंट्री है आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना करें यहाँ आने के बाद या आने से पहले कि मतलब आप आ रहे हो आप ये सोच के आएँ कि मैंने वहाँ से आगे चला जाना है या कुछ भी ऐसा करना है जो कि एज अ नेशन या पूरी कम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करें तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें बस ये एडवाइज़ है आप जिधर आए उधर सीधा ही आएँ और कम से कम आपका फॉर एग्जांपल आपका दो साल का भी कॉन्ट्रैक्ट है कम से कम वहाँ पे साल तो गुजारें ना टाइम पूरा ड्यूरेशन वहाँ पे स्पेंड करें अगर नहीं कर सकते कम से कम हाफ़ तो करें और उसके बाद कोई नेक्स्ट स्टेप उठाएं ऐसे ना करें आते जा साथ ही आप एक नई डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ें फिर आप ना उधर के रहते हैं और ना इधर के रहते हैं थैंक यू सो मच महब भाई आपने बहुत अपनी इंपॉर्टेंट राय का इजहार किया ऑडियंस के साथ उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमें मैसेंजर पे इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारी टीम आपको बिल्कुल फुल रिप्लाई करेगी और अगर आप मेरे साथ वन टू वन बात करना चाहते हैं तो इस ई एड्रेस के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और मैं खुद आपको कॉल करूँगा महब भाई थैंक यू सो मच शुक्रिया आप सबका भी दोस्तों थैंक यू बाय बाय